दोस्तों यहाँ पर हो गया दुर्घटना, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप देखो किस तरह बाहर करता हूँ पूरा। ये देखिए एक बार के कारण पूरा वायर जल चुका है, इस तरीके से जला था ऐसा। लेकिन जानेंगे देखेंगे किस तरीके से वायर, आप देख सकते हो पूरा जल चुका है ये शॉर्ट सर्किट के कारण। तो किस कंडीशन में ये प्रॉब्लम हुआ है और कैसा हुआ है, प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे का है, और ये इस तरीके से कंडीशन है। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों, और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रीशियन चैनल। तो दोस्तों आज की टॉपिक में आपको बताएंगे शॉर्ट सर्किट को किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो आप देखिए थंबनेल लिख के आपको समझ आ गया, हमारे एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड पे शॉर्ट सर्किट है, वहां से हमारे जो सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा, तो उसको हम लोग ढूंढेंगे भी और आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे। और ये हमारा रिपेयरिंग वाला वीडियो रहेगा, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कैसे इसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वीडियो भी नहीं आता दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहते। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसी बिल्डिंग पे हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये हॉल है और इस रूम का लाइट प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। यहाँ पर पूरा अंधेरा है और स्विच बोर्ड कहाँ पर है, यहाँ। तो देखते हैं कोई सा भी बोल रहे हैं, यहाँ पर 2A काम नहीं आ रहा है, ना इन्वर्टर काम नहीं आ रहा है। ये देखिए पूरा कोई सा भी लाइट नहीं आ रहा है। और एक AC है यहाँ पर इस रूम पे, ये वाले में देखते हैं, इधर से भी काम नहीं आ रहा है, बस यहाँ पर AC चल रहा है। ठीक है मेरे को, क्योंकि ये जो है कनेक्शन अलग है ना, तो पूरा रूम अंधेरा है और ये फैन लाइट कुछ भी नहीं चल रहा है। हम लोग टॉर्च में काम करने वाले, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर सप्लाई देखते हैं इसका पावर सॉकेट पे। यहाँ पर सॉकेट है, टेस्टर लगा के देखते हैं यहाँ पर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम कहाँ जाएंगे, हम लोग जाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे, और इस रूम पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे चलते हैं और देखते हैं सप्लाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसा जगह हमारा MCU बॉक्स लगा, ये यहाँ बहुत से एरिया है, तो ये जगह पे हमारा जो है MCU बॉक्स लगा हुआ है। तो देख लो काफी कैसा दिख रहा है आपको, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये पहले का है और ये इस तरीके से कंडी। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिशियन ढूंढ लिया प्रॉब्लम, ये देखा दूसरा वाला MCU का, ये आउटपुट नहीं आ रहा है, तो चल दूसरे। तो देखिए अभी हम लोग इसको कटिंग करके निकाल दिए, और अभी हम लोग क्या करेंगे दूसरे वाले MCU में काक में डाल के देखते हैं अभी टेम्परी, क्योंकि क्या होता है इस कंडीशन में सामने वाला पूरा सा हमारा लाइट जो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी हम लोग ऐसे टेम्परी डाल के देखते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको बता देता हूँ, कहीं शॉर्ट सर्किट रहता है ना, तो उसके कारण जो हमारा जो है बोर्ड जो है प्रॉब्लम हो जाता है। देखते हैं यहाँ पर ऐसे छील लें, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे सिंपल, इसमें हम लोग जोड़ देंगे और इसको फिर भेज देते हैं। और ये MCU ये वाला खराब हो चुका है, इससे हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इतना बार हमारा जो MCU लगता है तो ये सब प्रॉब्लम होते रहते हैं। देखिए अभी हम लोग इसमें आपको जोड़ के दिखाए थे, ठीक है, इसमें जोड़ के दिखाए थे, तो ये क्या हुआ फिर से, ये देखिए इस तरीके से कंडीशन हो गया सर, इसका स्प्रिंग छोड़ दे रहा है, काफी दिन हो गया पुराना। तो इसके कारण हमें जब हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ना MCU बॉक्स अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं, यहाँ से में लूपिंग करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाले में जा रहा है सप्लाई 220। देखिए ये वाले में करंट नहीं आ रहा था, दूसरे वाले में हम लोग टच करके देखते हैं, हल्का सा चिड़ चिड़ा रहा है और इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं। रूम पे आए फिर से लाइट लोग ऑन ऑफ करके देख रहे हैं, कुछ भी नहीं जा रहा। अब तो इसके बाद ये बोर्ड खोलना पड़ेगा अपने को। ठीक है, हल्का सा बदबू आ रहा है, जब भी आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होता है आपको पता है रेगुलेटर जल जाता है उसके लिए बदबू आता है, नहीं तो वायर जल जाता है, स्मेल आता है। तो आप लोग को तो पता नहीं चलेगा, हम लोग को पता चल रहा है स्मेल आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग को स्मेल आ रहा है। चलो सप्लाई चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं सप्लाई आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर सप्लाई आ ही नहीं रहा है, वहाँ से हम लोग सप्लाई दे दिए उसके बाद भी यहाँ पर नहीं आ रहा, डायरेक्ट MCU पे छील के जोड़े। और ये देखिए यहाँ पर किस कंडीशन में हुआ है, देखिए वायर देखिए पहले मेल्ट कैसा हो गया,
एक जो सर्किट है पूरा मेल्ट हो गया, जल चुका है देखिए बुरी तरीके से, ठीक है, एक देश से दूसरा, तो इसीलिए इतना बदबू आ रहा है। देखिए यहाँ से मेल्ट होते हुए गया और ये देखिए, अरे बाप रे, यहाँ पर देखिए इसके अंदर से ना पूरा जल चुका है, मतलब बदबू आ रहा है अपने को। तो ये क्या होता है आपको बता देता हूँ, ये किस कंडीशन में ख़राब होता है, कहीं प्रॉब्लम है शॉर्ट सर्किट, तो वायर लोग को क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियन लोग अंदर में ज्वाइंट कर देते हैं, तो उसके कारण भी हो जाता है। देखिए ये जो है कंपनी का नॉन ब्रांड कंपनी जब लगता है ना तो इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। देखिए आपको पूरा, चलो इसको निकालते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं, और सप्लाई तो ऐसे भी नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ भी, और इन्वर्टर वाला भी सप्लाई नहीं चल रहा है, तो ये वाला सर्किट पूरा चेक करना पड़ेगा, और सबको ना जो जो मार्किंग करके ना निकालना आपको, ठीक है, नहीं तो। तो देखिए यहाँ का जो बोर्ड का पॉइंट है इस तरफ से बेंड से आया है, ठीक है, उधर वॉल तरफ से, तो देखते हैं वॉल जो हमारा जो है उधर है, और इधर से वॉल झड़ी नहीं हुआ है, पीछे से आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वायर को पहले चेक करेंगे दोस्त, तो चलो एक एक करके खींच के देखते हैं, कोई सा भी जला होगा ना ये बाहर आएगा, ठीक है। ये देखिए इन्वर्टर वाला सर्किट देख रहे हो किस तरीके से ये जला हुआ है पूरा, इसके अंदर टेप लगा के इसके अंदर ऐसे भरा हुआ है, इसको ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो ये हम लोग इसको अलग रखते हैं, ये इन्वर्टर वाला, और देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा वायर जला हुआ है, पहले पूरा शट डाउन कर देना है, और एक एक करके हम लोग खींच के देख रहे हैं, जो जला होगा सब बाहर आ जाएगा, ये नहीं आ रहा है तो ऊपर जाके खोलना पड़ेगा। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर जला हुआ है, ये टू ए स्विच में जुड़ा हुआ है, ऐसा बहुत सारा पॉइंट ऐसा जल गया ऐसा लग रहा है मेरे को, इसीलिए इस रूम का लाइट पॉइंट भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सर्किट को अपना अपना पहचान दे दिए, और क्या करेंगे जितना भी वायर है इसके अंदर जो जला है ना वो तो हम लोग बाहर करने वाले, और ये देखिए दो तीन वायर तो ऐसे ही दिख रहा है हम लोग को, पूरा जल चुका है, मेल्ट हो गया यहाँ पर, ये देखिए मेल्ट कैसा हुआ है, ये देखिए ऐसा चिपक गया पूरा, ऐसे मेरे को लग रहा है क्योंकि जो जितना भी पॉइंट है उधर से इधर दीवार पे आया ना, तो देखते हैं कहाँ से गया है, ये देखिए मेरे को तो यहाँ से गया हुआ ऐसा लग रहा है, देख रहे हो यहाँ पर जितना भी वायर है ना इसको हम लोग खींच रहे हैं ना, ये पूरा खींचा नहीं रहा, ये देखिए मेन लाइन पर प्लास से खींच रहा हूँ, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं बोलते हैं ना कितने सारा पाइप क्या करोगे, तो देखिए इस तरीके से प्रॉब्लम होता है बाद में, ठीक है, उस समय तो नहीं होगा, कुछ साल जाने के बाद प्रॉब्लम होता है, तो जो बंदा रिपेयरिंग काम करता है उसको पता ही है प्रॉब्लम क्या क्या होता है। तो ये देखिए पूरा जाम हो चुका है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इधर सीधा फेस में हम लोग फोड़ने वाले हैं इसको, ठीक है, उसके देख लो यहाँ पर हमारा जो पाइप है तो इसको हम लोग फाड़ने वाले हैं, बेंड जो लगा है ना उसमें हमारा जो है जल गया है, ठीक है। तो देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर हो गया दुर्घटना, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आप देखो किस तरीके से पूरा जला हुआ है, तो कहाँ से हमारा लाइट जलेगा, और ये और इसमें मेरे को लग रहा है पानी कैसा आ गया, तो ये ऐसा नहीं है, जलने के बाद क्या है केमिकल जो है यहाँ रहता है, तो ये काफी बुरी तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ है, आप देख सकते हो पूरा जल चुका है यहाँ पर, मेन लाइन न्यूट्रल सब कुछ जल चुका है, इसीलिए हम लोग ऊपर खींच रहे हैं तो कहाँ से रिटर्न आएगा, ये पूरा जला चुका है देख रहे हो। चलो इसको बाहर करता हूँ पूरा। तो देखिए दोस्तों एक वायर जब प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर तब ब्रेकर हमारा सही तरीके से काम नहीं करेगा ना, तो इस कंडीशन ऐसा होता है प्रॉब्लम, आप देख सकते हो पूरा जल चुका है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कंपनी का एमसीबी लगाओ, और बी के डिग्री सी के डिग्री बारे में नॉलेज जरूर जानना है, तब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को काम करना है, नहीं तो बिल्कुल मत काम करना है, ऐसा नॉर्मल तो बिल्कुल काम नहीं करना है, नहीं तो सामने वाला पार्टी का जो है प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, आधा अधूरा पूरा जो है ज्ञान पूरा ले लेना, उसके बाद इस तरीके से काम करना। ये देखिए एक वायर के कारण पूरा वायर जल चुका है यहाँ पर, इस तरीके से जला था ऐसा, ये पूरा ये कहाँ से चलेगा ये, तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और पहले पूरा वायर लोग को बाहर करते हैं, देखते हैं कितने सारा वायर जला, देखो हरे राम देख रहे किस तरीके से कांड हुआ है, ये पूरा वायर जल चुका है, ये कंपनी कौन सा है यार, देखना पड़ेगा पूरा, इतना बुरी तरीके से पहली बार जला है वायर, ये देख रहे पूरा, ये इसके एक वायर के कारण जो है ना पूरा सर्किट को पूरा जला दिया और पूरा मेल्ट करा दिया हम लोग को, ऐसा नहीं लग रहा पूरा वायरिंग ऐसा करना पड़ जाएगा ऐसा लग रहा।
एक बार पूरा जला के खा दिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ नॉन ब्रांड कंपनी का बिल्कुल नहीं लगाना। यहाँ पर अशोका लाइट का वायर डला हुआ है, पता नहीं पहले क्या चल रहा था, अशोका लाइट, भूमि, आरके, इस सब में इस तरीके से प्रॉब्लम बाद में होता है। अच्छे चलते रहते हैं, ब्रेकर सही रहता ना तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग किसी को दोष नहीं दे रहे, फिर प्रॉब्लम हो गया अब सो करना ही पड़ेगा। तो चलो एक लाइट को इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और बाकी को देखते हैं। पूरा ये सर्किट में नहीं चलेगी, और पूरा हम लोग को लग रहा है हमारा जो है ये जला हुआ है पूरा सीलिंग तक। तो चलो हम लोग इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जितना भी जला हुआ है पूरा बुरी तरीके से जल गया ना, तो जितना भी जला है तो उसको हम लोग कटिंग कर दें। बाकी को क्या करेंगे अभी हम लोग इसको अंदर डालेंगे। ठीक है, जो जो जल चुका है पूरा उसको। इसके लिए क्या जुगाड़ करेंगे, क्या जुगाड़ करना है? कनेक्टर लगा देंगे यार, नहीं चालू। ये दो ही बार बचा है साल, नहीं तो ये भी जल जाता। कपड़ों ना खराब हो कपड़ों। देखिए दोस्तों इन्वर्टर के पास आके देखते हैं तो यहाँ पर इन्वर्टर से भी आउटपुट नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर हमारा 5-pin सॉकेट में सप्लाई ही नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट डाल के देखते हैं। देखिए जैसे इसको डायरेक्ट डालेंगे बाकी सारा लाइट ऑन हो जाएगा। यूपीएस का भी बंद था पूरा, देखते हैं यूपीएस मोड पे कैसा रहता है, इससे आउटपुट निकल ही नहीं जाता। लाइट चेक कर लेते हैं कौन सा इन्वर्टर है कौन सा ये। तो हम लोग इन्वर्टर को भी डायरेक्ट कर दिए, अभी न्यूट्रल डालते हैं और ये देखते हैं। ये हमारा यूपीएस का है पीलर टेप, अभी हम लोग लगाए तो ये 100% यूपीएस का है। ठीक है, उसके बाद फेस देखते हैं फेस आ रहा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है 93 हो रहा है, तो इसमें वोल्टेज सही नहीं आ रहा, तो ये प्रॉब्लम है। एमसीबी से हम लोग तो उधर डायरेक्ट किए हैं दूसरा एमसीबी में, फिर यहाँ नहीं आ रहा, तो ये भी ऐसा लग रहा है ये जला कहीं पर होगा, इसको भी खोलना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट होगा। तो और देखते हैं उसके बाद ये वाला पॉइंट, एक हमारा जो है टेप लगा था इसमें न्यूट्रल के लिए जो सीलिंग का, और रनिंग अर्थिंग देखते हैं। ये हमारा रनिंग अर्थिंग इसमें वैल्यू शो कर रहा है, देखते हैं रनिंग अर्थिंग। और ये देखिए एक रनिंग अर्थिंग, ठीक है तो ये हो गया। अब इसमें फेस नहीं आ रहा है कहाँ, ये देखिए इसमें कहीं पर जो हमारा शॉर्ट सर्किट और होगा, तो पूरा ये जला के लेके गया, तो उसके कारण जो है चलो पूरा ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को मिलेगा प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाला मेन प्रॉब्लम तो मिल गया, अभी हम लोग सर्किट जो सही से आ नहीं रहा है वो चेक करेंगे अब। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो गाइड लगाए ये हमारा न्यूट्रल था, और हम लोग अभी फेस से नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ये जितना भी पॉइंट हम लोग चेक करने आ रहे हैं कौन सा प्रॉब्लम है। तो देखिए इसका चेक करने का तरीका, देखिए ये वाला ऐसा, ठीक है लाइट जला, ठीक है एक लाइट जला, देखिए वहां दिखा दे रूम थे इसके अंदर में एक लाइट जल रहा है, देखिए अंधेरा हो गया तो चालू हो गया। तो देखते हैं एक एक करके, देखिए यहाँ पर हमारा जैसे ही हम लोग पॉइंट टच कर रहे हैं एक करके सभी चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इन्वर्टर में चला रहे हैं, अभी मेन हम लोग को मिला नहीं, तो सभी सर्किट को चेक कर लेते हैं कौन सा सर्किट खराब है और उसको देखते हैं। अभी दो और बचा है वो भी देखते हैं। ठीक है सब जल है ना। देखिए दोस्तों जितना ही पॉइंट था इसको ज्वाइंट कर दिए, और यहाँ से हम लोग जो शॉर्ट सर्किट था उसको वायर को बाहर कर दिए। आप देख सकते हैं कितना सारा वायर जो है ये पूरा जल चुका था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है ये वाला एक वायर सर्किट जला है, तो चलो देखते हैं कितना लाइट चालू हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो पैनल जो है 1, 2, 3, 4 एक चीज बंद है और फैन चालू हुआ। ठीक है, तो आपको समझ आ गया किस तरीके से। अरे बाप रे क्या कांड कर दिया रमेश तू, फिर रे मैं क्या कांड किया यार, तो अपने आप जल जल पड़ गया है। अच्छा ये पूरा पापड़ी टाइप का ये देख रहे हो कि क्या हुआ, बहुत दिन हो गए इसका लाइफ खत्म हो गया, तो देखिए पुट्टी के साथ जो है पूरा उखड़ के आ रहा है, देख रहे हो। तो ये अभी हम लोग किस लिए, ये जो हमारा मेन लाइन जो है प्रॉब्लम है, जो सर्किट जो है फेस वाला प्रॉब्लम है, सब जितना भी जल रहा है इन्वर्टर में। तो क्या हुआ पहले क्या हो रहा था, ये नॉर्मल रूम था तो इसमें जो हमारा फॉल सीलिंग नहीं था। ठीक है, तो इसका वायरिंग जो है ना अंदर में, मैं आपको बता देता हूँ
ये पूरा डायरेक्ट है, जो देखिए यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है ये यहाँ पर फैन में, तो फैन में क्या है यहाँ पर जैक्सन के पास सभी जॉइंट है, ऐसा लग रहा है अपने को फेस नहीं आ रहा है, तो फेस को भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर सीट को काटना पड़ेगा, वायर भी जो जला है वो भी चेक करेंगे, लाइट भी वहां से वहां। तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रमेश को यहाँ पर इसको सीट कटवा रहे हैं और आप देख सकते हो ये कटिंग हो गया, देखते हैं वायरिंग यहाँ पर मिलता है कि नहीं। तो देखिए ये है फैन बॉक्स और आप देख सकते हो यहाँ पर जो पॉइंट किस तरीके से वायरिंग आया, देखते हैं कौन सा वायर जला है यहाँ पर, बात आते हैं तो पता चल जाए कौन सा वायर जला है कौन सा नहीं। ये देखिए ये जो मैं अभी हाथ में पकड़ा हूँ यही वाला वायर जला है, तो ये कहाँ गया आपको दिखाता हूँ, ये गया है वहां पर ये वाला लाइट पे, ठीक है। तो चलो इसको बाहर करते हैं और देखते हैं कैसे ये जला है और पूरा ये। देखिए दोस्तों ये ड्राइवर हम लोग जैसे ही निकालें एलईडी लाइट का और इसका एक वायर छूटा हुआ है, तो चलो देखते हैं एक वायर सही है और इधर ही से सिग्नल अपने को मिला वायर जला हुआ, तो देखते हैं ये प्रॉब्लम किस कारण हुआ है, हम लोग को ये ढूंढना था। तो ये देखिए किस तरीके से चैनल पे लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ ये चैनल में जहाँ पर हमारा न्यूट्रल रहता है, इससे हमारे को क्या होता है फेस जब टच हो जाता है ना तो ये धीरे धीरे करके वायर जला है। और भाई बोल रहे थे यहाँ पर फट फट आवाज आ रहा था, तो अभी हम लोग को प्रॉब्लम 100% मिल गया इसका, ये जलने का कारण क्या था आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कैसे, तो दोस्तों हम लोग को 100% प्रॉब्लम मिल गया, आप देख सकते हो जला कहाँ से था, ये पूरा जो है ये फॉल्स सीलिंग के चैनल में इस तरीके से टच था, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, चूहा वायर को काट दिया, उसके बाद जो जितना भी वायर जो आपको दिख रहा है ये जला हुआ, तो ये क्या हुआ धीरे 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 करके ये पूरा जला हुआ है, ठीक है। तो घर वाले को पता ही नहीं था, धीरे धीरे बदबू आना लगा और ये पूरा जब हमारा लाइट शॉर्ट सर्किट हो गया पूरा लास्ट, तब पता चला इनका रूम पे प्रॉब्लम है, देखिए कैसे जला हुआ है। तो चलो इसको भी हम लोग निकालते हैं और आपको दिखाते हैं पूरे, ये पूरा सीलिंग वहां तक जला हुआ है। तो इस देखिए हमारे को काफी लोग पूछते रहते हैं ना, ये देखिए इसमें आप फ्लेक्सिबल पाइप क्यों डालते हो सर, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है हल्का फुल्का ना फ्लेक्सिबल पाइप में सेफ्टी हो जाता है, जो हमारा जो चूहा लोग काटता है ना उसके लिए ना एक मतलब ये सेफ्टी हो जाता है, उसके बाद जो है चूहा जो है वायर को निकालते, ये पूरा देखिए वायर काटा उसके बाद ये क्या हुआ पूरा चैनल पे टच हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा वायर जला दिया, उसके बाद वहां पर जाके बेंड पे हमारा जितना भी वायर था ऐसा मुड़ा हुआ था उसको शॉर्ट कर दिया, उसके बाद रूम का लाइट पूरा बंद। तो आप सोच रहे हो ब्रेकर क्यों डाउन नहीं हुआ, आप देखें ब्रेकर कैसा कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में ये ब्रेकर जो है काम नहीं करता, ठीक है। अच्छे फ्रेश ब्रेकर रहेगा, MCB अच्छे रहेगा, कम एम्पियर का रहेगा 10 एम्पियर का जैसे रूम के लिए, तो अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग वायर को बाहर करते हैं और इसके लिए एक वायर जुगाड़ करते हैं। देखिए ये वाले पॉइंट में हमारे इन्वर्टर में लाइट जल रहा है, आप देखिए अंदर में, ठीक है। और जो प्रॉब्लम था वो तो ढूंढ लिया, अभी हम लोग को सर्किट जो है हमारा सप्लाई नहीं आ रहा, अभी ये ढूंढना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा फेस में डाल दिए, इसमें हम लोग का करेंट भी नहीं आ रहा है और लाइट भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग अब मीटर के पास चलते हैं। देखिए ये वाले को तो एक जोड़ दिए थे, एक और MCB खराब ये वाला, ठीक है। तो हम लोग अभी इसमें जो फेस डाल के देखते हैं ये आता है कि नहीं। ये देखिए हल्का सा चिंगारी कर रहा है, देखते हैं यहाँ पर हमारा सप्लाई जल रहा है कि नहीं, ठीक है। एक सर्किट डाल देते हैं, शॉर्ट होगा तो निकल जाएगा, इसे लुकिंग कर दिए टेम्पररी, देखते हैं लाइट जला रही है। तो देखिए यहाँ पर फाइनली हमारा लाइट ऑन हो चुका है और हम लोग को जो सर्किट था वो भी दोनों मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा फेस से चल रहे हैं, इन्वर्टर रनिंग अर्थिंग सब मिल गया और यहाँ पर जल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पूरा अंडरग्राउंड करना है और 100% काम करना है। तो अभी इसमें गड्ढा करेंगे, एक बोर्ड लगाएंगे और इसमें कनेक्टर लगा के सभी वायर को देंगे। और आइए इधर आइए, ये जो लाइट जल रहा है आपको, ये हम लोग क्या करेंगे फॉल्स सीलिंग यहाँ पर हम लोग कटिंग किए, इससे हमारा पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आध पॉइंट खाली होगा उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 1 और ये 2 और ये रोप लाइट है वो ऐसा लग रहा है और बाकी खाली होगा तो उसमें एक वायर डाल के। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग पाइप निकाल दिए और दिखाते हैं वायर कैसे, जो पाइप पे ऐसे चिपका हुआ है ना, खुल भी नहीं रहा,
दिखाते हैं पूरे कैसे जला हुआ रहा है, देख रहे पूरा रायता। हम आपको तो स्टार्टिंग में छोटा सा टुकड़ा दिखाए थे जैक्सन की, पूरा जैसा हम लोग उतार रहे हैं ना अभी पूरा पाइप पे चिपका हुआ है, खुल नहीं रहा था। ये देखिए ये पूरा बुरी तरीके से एक दूसरे पे मेल्ट हो गया है पूरा, ये देखिए। ये तो सही है एक बार, और ये वाला रायर देखिए कैसे जला हुआ है पूरा। चलो आपको बाहर से दिखाता हूँ कैसे जला हुआ। तो देखिए हम लोग आपको बाहर लेके आए आपको दिखाने के लिए किस तरीके से बुरी तरीके से जल गया है, ठीक है। तो एक वायर जब खराब हुआ ना यहाँ पर, तो बाकी वायर को पूरा जो जला दिया, आप देखिए सभी हमारा पॉइंट लॉक सब जल चुका है। तो इसका 100% प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो ये देखिए कितना सारा वायर निकालें, अभी तो और बहुत सारा वायर है, फिर हम लोग इसको निकाल नहीं पा रहे हैं, और जितना भी निकालना था सब निकाल दिए। 5-6 फीट और बचा है जो हमारा सीलिंग पे अंदर में, क्योंकि वो चिपक गया है, नहीं निकलेगा। ये देखिए पूरा ये जला हुआ है। तो ये किस कारण आपको पता चला ना, ये देख रहे हो ये क्या हुआ था, ये चैनल पे जाके ना टच हो गया था पूरा। तो ये काफी दिन से ये कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा लोड लेता है, बिजली बिल ज्यादा आता है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है, इसीलिए वायरिंग करते हो तो अच्छे से ये करना, नहीं तो इस तरीके से प्रॉब्लम होते ही रहता है घर पे हर जगह। और ब्रेकर सही तरीके से लगे रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, छोटा मोटा ब्रेक प्रॉब्लम होता तुरंत ट्रिप हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग ब्रेकर जो मेन था इसका, वो भी प्रॉब्लम था, उसको भी सॉल्व किए। और सामने वाला कहना है घर का जितना भी MCV है वो पूरा नया लगाना है, तो हम लोग बाद में उसका वीडियो आपको बताएंगे। चलो इसको पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और ये पूरा जल गया, नॉन ब्रांड कंपनी का ऐसा ही होता है प्रॉब्लम, आप देखिए। तो यहाँ पर हम लोग 6 मॉडलर नहीं है, ये हमारा 4 मॉडलर का एक बोर्ड है जो मेटल बोर्ड, क्यों दे रहे हैं आपको बताएंगे, वीडियो पे बने रहिए। और ये देखिए 2 फ्लेक्सिबल पेप डालें, इधर से हमारा 25 mm आ रहा है। चलो इसको फिनिशिंग कर लेने दो और आपको दिखाते हैं ये मुकेश क्या कर रहा है। यहाँ पर हमारा पॉइंट है बन गया, देखिए हम लोग कैसा करते हैं काम। ये देखिए किस तरीके से फ्लेक्सिबल पेप डालें, और इसको पूरा सेफ्टी करना है। छोटा मोटा वायर दिखना चाहिए, ज्यादा लंबा वायर खुला था तो देखे ना किस तरीके से प्रॉब्लम हुआ है, पूरा वायर जल चुका है। एक छोटा सा प्रॉब्लम के कारण जो है किस तरीके से होता है आपको पता ही होगा, ऐसे ही नॉर्मल काम बिल्कुल मत करना फॉल सीलिंग में करते हो तो, ठीक है। तो सावधानी बरतना है आपको, हर जगह पाइप डालना है, हर जगह आपको फ्लेक्सिबल पाइप यूज करना है। और अभी हम लोग क्या किए, यहाँ से हमारा 1-2 पॉइंट था, वहां से हम लोग पॉइंट ले लिए और उसको यूज कर लिए। और एक वो जो पुराना वाला था यहाँ से यहाँ फॉल सीलिंग पे, वो हमारे नहीं है, वो हमारे पूरा टॉप के सीलिंग पे है, ठीक है। तो हम लोग निकाल नहीं पाए, सबको कटिंग कर दी, यहाँ से यहाँ पूरा फ्रेश कर दिए। अब चलो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए फाइनल, मेन लाइन भी हमारा आ गया, और भी हम लोग स्विच बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं। तो ये देख रहे हो जितना भी आप देख रहे हो वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग जो MC कनेक्टर लेके आए, और आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्टर है। ये कनेक्टर इसलिए यूज कर रहे हैं, आपको पता है ना वायर हम लोग ज्वाइंट नहीं करते हैं अच्छे से, ट्विस्ट जो है होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टर से अच्छे से परमानेंट यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसको पैक कर देंगे, यहाँ पर इसके अंदर डाल दिए, ठीक है, अंदर अंदर। और इसके लिए हम लोग नया वायर लेके आए, आप देख सकते हो ये हम लोग को ग्रीनी कलर नहीं मिला, हम लोग को 2.5 mm का रेड मिल गया, 2.5 mm का ब्लैक मिला, येल्लो वाला वायर मिला, और ये रनिंग अर्थिंग डालेंगे। आप देख सकते हो ब्लैक में वाइट येल्लो चिन्ह, तो रनिंग अर्थिंग रहे। तो इसमें हम लोग को MC कनेक्टर यहाँ पर देना है, तो अभी हम लोग कनेक्टर देंगे। और ये पॉइंट वाले को तो वायर पहुँचेगा नहीं, देखते हैं 2 वायर आराम से पहुँच जाएगा ऐसा लग रहा है, फिर सभी में हम लोग ना कनेक्टर डालने वाले हैं, ठीक है। तो चलो डालते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग कनेक्टर यूज कर रहे हैं, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग फेस के लिए, न्यूट्रल के लिए, इन्वर्टर की रनिंग अर्थिंग के लिए पूरा, ठीक है। एक और फेस बचा, इसको कर देते हैं, बाकी उसका लूपिंग। और ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है ये पॉइंट का है, तो पॉइंट में भी कनेक्टर लगाएंगे, वैसे ही हम लोग टेम्परी नहीं ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो किस तरीके से, ये हमारा फेस है, ये न्यूट्रल है, इन्वर्टर, रनिंग अर्थिंग है। उसके बाद ये ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल रहा होगा, देखने को मिल रहा होगा हमारा जो है अब। तो देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट जो है हमारा सर्किट जो है ये गया, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पर हमारा जो 2 पीस जो हमारा नहीं कटा था, तो उसको हम लोग डायरेक्ट डाल दें और इसको पैक कर लेते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, हमारे लड़की क्या कर रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा ड्रेसिंग कर रहे हैं, और इस तरीके से पूरा फिनिशिंग कर रहे हैं अपन,
और जो जो कनेक्शन है वो सबको जोड़ देते हैं फाइनल। तो दोस्तों फाइनल आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर वायरिंग की और यहाँ कैसे की हम लोग केबल टाई से कर दिए और इसका वायरिंग भी कम्प्लीट। और ये देखो पुराना वायर कैसा था, ये पूरा जल चुका है। ठीक है, तो हम भी हम लोग नया वायर डाल के यहाँ पर लगा के काम कर दिए ताकि प्रॉब्लम मत आए। और ये देखिए फाइनल आप देख सकते हो जैसा था वैसा ही हम लोग बना दिए, फिर काफी मेहनत करना पड़ता है काम पे। और ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व। चलो लाइट लाइट काम करके देख लेते हैं फाइनल वर्क कर रहा है कि नहीं सभी लाइट को अच्छे से। ठीक है, अरे उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग पॉइंट बनाए और ये फाइनल। तो ये बाद में प्लान हुआ था फॉल सीलिंग का, उसके लिए इतना लोचा हुआ है और देखिए कैसा काम हुआ था, देखिए ना। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए और आप लोग को अब बारम्बार बोलता हूँ जो भी कंपनी का वायर लगाइए ब्रांड जो चलता है मार्केट में वो नॉर्मल बिल्कुल यूज नहीं करना, और यूज कर रहे हो तो ब्रेकर जो है सही लगना चाहिए। ठीक है, और इसको पिक करते हैं, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, कहीं भी और कहीं शॉर्ट सर्किट थोड़े यहाँ पर। ठीक है, ये फाइनल हुआ और आप देख सको किस तरीके से घर पे कचरा हुआ है और ये काफ़ी बड़ा काम हो चुका। अभी कितना मेहनत लगा आप देखिए ना, पूरा डस्ट डस्ट क्लीन करने में आधा दिन लग जाएगा इनको। और ये देखिए फाइनल। ठीक है, तो चलो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको आशा करते हैं आज की वीडियो में पता चल गया किस तरीके से प्रॉब्लम ढूंढा जाता है। सबसे पहले आके यहाँ पर स्विच बोर्ड पे लाइन चेक किए, उसके बाद एमसीबी पे देखे जाते हैं, एमसीबी भी इनका बहुत ख़राब है डैमेज। तो चलो यहाँ पर प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व कर दिए और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। आशा करता हूँ आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा आपको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता दिए दोस्तों। वीडियो कैसा था दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा ऐसा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।